राजद इसलिए परेशान है कि बाबा बागेश्वर महागठबंधन सरकार गिरने की भविष्यवाणी न कर दे, नीरज बबलू ने कहा। एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए राजद नेता बाबा बागेश्वर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इससे राजद को फायदा नहीं होगा, बीजेपी को ही बाबा बागेश्वर को लाभ होने वाला है। हमारा जनाधार और बढ़ने वाला है। जब से बाबा बागेश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने पटना आगमन का ऐलान किया है, तब से बिहार की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। रोजाना कोई न कोई मंत्री, विधायक या फिर कोई प्रदेशाध्यक्ष या तो बाबा बागेश्वर के पक्ष में या फिर विपक्ष में बयानबाजी करता है। एक तरह से बाबा बागेश्वरनाथ बिहार की राजनीति के केंद्र बिंदु बन गए हैं। उनके कार्यक्रम को लेकर राजद और बीजेपी आमने सामने हैं और बीच बीच में जेडीयू भी दोनों तरफ से बयानबाजी करती रहती है। कभी जेडीयू कहती है कि भारत के किसी भी हिस्से में कोई भी अपना कार्यक्रम कर सकता है, तो कभी जेडीयू के नेता कहते हैं कि नीतीश सरकार को बाबा बागेश्वर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी ओर बीजेपी खुलकर बाबा बागेश्वर के पक्ष में आ गई है। एक तरफ जहां नीतीश सरकार के मंत्री तेजव्रता यादव ने एयरपोर्ट पर ही बाबा बागेश्वर का घेराव करने की बात कही है, वहीं बीजेपी नेताओं ने चुनौती दी है कि हिम्मत है तो बाबा बागेश्वर को गिरफ्तार करके दिखाएं। अब बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने सोमवार को कहा, बाबा बागेश्वर कही यह भविष्यवाणी न कर दें कि महागठबंधन की सरकार गिरने वाली है और बीजेपी की सरकार बनने वाली है। नीरज बबलू ने कहा कि इसी घबराहट में आरजेडी नेता बाबा बागेश्वर का विरोध कर रहे हैं। नीरज बबलू ने कहा, एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए राजद नेता बाबा बागेश्वर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इससे राजद को फायदा नहीं होगा, बीजेपी को ही बाबा बागेश्वर को लाभ होने वाला है। हमारा जनाधार और बढ़ने वाला है। बाबा बागेश्वर सनातनी और धर्म के प्रचारक हैं और वे बिहार आ रहे हैं, जिसमें जनसैलाब उमड़ने वाला है। बबलू ने कहा, क्या किसी जनसैलाब को आज तक रोका जा सका है? बबलू ने कहा, बाबा बागेश्वर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, वे हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, यह बाबा की अपनी मंशा है। अभी तक बीजेपी का ऐसा कोई विचार नहीं है और वह सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि बाबा बागेश्वर के दरबार में बीजेपी के अधिकांश नेता जाने वाले हैं और मेरी सलाह है कि लालू और नीतीश को भी बाबा के दरबार में जाना चाहिए, उन पर भी बाबा की कुछ कृपा बरस जाएगी। धीरेंद्र शास्त्री के विरोधियों को बीजेपी के चुनौती पर आरजेडी विधायक ने कहा कि ऊपर से बहुत से लोगों को भेजा गया है, यहाँ आने के बाद बहुत से लोगों द्वारा भेष बदलकर अनैतिक कार्य किया जा रहा है, इससे साथ ही बहुत कार्य उचित भी किया जा रहा है। 13 से लेकर 17 मई तक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का पटना के नौबतपुर में कथा होनी है। वहीं बिहार में बाबा के आगमन से पहले ही सियासी गलियारे में बवाल मच गया है। मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ आरजेडी के कई नेता विरोध कर रहे हैं, तो वहीं पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के फुल सपोर्ट में बीजेपी आ गई है।